हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने बेसिक मेथड से दो डाइपोल्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट किया था। आज अपन सेम प्रॉब्लम को स्लाइटली एडवांस्ड वे में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अपने को दो डाइपोल दिए गए हैं। पहला डाइपोल वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है और इसका डाइपोल मोमेंट है पी वन। सेकेंड डाइपोल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है और इसका डाइपोल मोमेंट है पी टू। पहले डाइपोल से थीटा एंगुलर पोजीशन पे और आर डिस्टेंस पे सेकेंड डाइपोल लोकेटेड है। थीटा की वैल्यू पाई बाई टू के बराबर है। अब अपन इन दोनों डाइपोल्स के बीच फोर्स निकालते हैं। वेरिएबल फील्ड के अंदर डाइपोल पर फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट डेल ई वेक्टर। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर रेस्पेक्टिव वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने वेरिएबल फील्ड के अंदर डाइपोल पर फोर्स का एक्सप्रेशन डेराइव किया है। यहाँ पर अपन P2 पर P1 की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं, तो P वेक्टर तो हो जाएगा P2 वेक्टर, और E वेक्टर है पहले डाइपोल की वजह से सेकेंड डाइपोल की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो अपन P2 वेक्टर को ये लिख लेते हैं। P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है P2 और डायरेक्शन है R कैप। डेल ऑपरेटर की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होती है, डेल अपॉन डेल आर आर कैप प्लस वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप। अब अपन P2 वेक्टर का डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ही आ जाएगा P2 वेक्टर डॉट डेल इज इक्वल टू P2 डेल अपॉन डेल आर। अब अपन फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एफ वेक्टर की वैल्यू ही आ जाएगी P2 डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर। P1 से R डिस्टेंस पर और थीटा एंगुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अपन ये लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू 2K P1 कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब आर कैप प्लस K P1 साइन थीटा अपॉन आर क्यूब थीटा कैप। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई बाई टू है, तो मैं थीटा की जगह पाई बाई टू पुट कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा तो 0 हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अपने पास ही आएगा KP1 अपॉन आर क्यूब थीटा कैप। फोर्स को अपन ये लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू P2 डेल अपॉन डेल आर ऑफ KP1 अपॉन आर क्यूब थीटा कैप। कॉन्स्टेंट टर्म्स को तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, वेरिएबल टर्म 1 अपॉन आर क्यूब है, तो बाहर तो ये आ जाएगा KP1 P2 DY DR ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब थीटा कैप। और 1 अपॉन आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होगा -3 अपॉन R टू द पावर 4, यानी DY DR ऑफ R टू द पावर -3। ये आएगा -3 अपॉन R टू द पावर 4।
ये वैल्यू अपन रख देते हैं तो फोर्स का एक्सप्रेशन ही आ जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के पी वन पी टू माइनस थ्री अपॉन आर टू द पावर फोर थीटा कैप, या इसको अपन ये लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस थ्री के पी वन पी टू अपॉन आर टू द पावर फोर थीटा कैप। अपन ये देख रहे हैं कि फोर्स माइनस थीटा कैप के अलोंग एक्ट हो रहा है। यहां पर देखिए ये पहला डाइपोल था जो वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड था और इससे आर डिस्टेंस पे थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पर सेकेंड डाइपोल लोकेटेड था जो इधर की ओर अलाइंड था पी टू वेक्टर। थीटा कैप की डायरेक्शन ये है, ये थीटा कैप की डायरेक्शन है और ये आर कैप की डायरेक्शन है। फोर्स माइनस थीटा कैप के अलोंग एक्ट हो रहा है, इसका मतलब फोर्स पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा 3k p1 p2 अपॉन r टू द पावर 4। तो ये अपना आंसर हो जाएगा।